झाड़ीपट्टी संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा और दीपावली का काफी बड़ा महत्व है, जिसके चलते कई पीढ़ियों से गोरेगांव तहसील स्थित सांसद आदर्श ग्राम भूताई टोला में कार्तिक पूर्णिमा विशेष मंडई का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में इस साल भी यह आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कई पीढ़ियों से इस गांव में पुरातन संस्कृति की मान्यता की जाती है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर ग्राम देवता और माता माई को जागृत करने की दृष्टि से हनुमान चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन एक दिवसीय ज्योत प्रज्वलित कर पूजा विधि संपन्न की जाती है, जिसके बाद ग्राम डीडी निकालते हुए ग्रामस्थ भजन गीतों की धुन में थिरकते हुए नजर आते हैं। उसी तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां इस अवसर पर दंडार नृत्य का आयोजन किया गया था। वहीं रात को वर्षा कलाकारों द्वारा मंचित कष्टाची शिदोरी यह तीन अंकी नाटिका मंचित की गई, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के साथ ही साथ विभिन्न गांवों के सरपंच और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस समय कार्यक्रम के आयोजक और मार्गदर्शक पूर्व पंचायत समिति सदस्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गोरेगांव तहसील अध्यक्ष केवल राम बघेले ने सभी को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। हम हिंदू लोग है, हमारे संस्कृति है कि हमारे जो पूर्वजों ने ये कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा का है या नवरात्र का हो या गणेश चतुर्थी का हो, ये कार्यक्रम पहले से करते आते हैं। और इसलिए करके हम 40 साल से, आज मेरी 57 साल की उम्र हो रही है, 40 साल से हम यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ करते आ रहे हैं, उसको परंपरा चला रहे हैं। और ये कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा का हम हर साल चलाते हैं, ये कोई कंपटीशन नहीं, कोई राजकारण का कार्यक्रम नहीं है। हम इस कार्तिक पूर्णिमा में कि अपना राम भक्त हनुमान जी इनके मंदिर में ज्योत जागृत करते हैं और वो ज्योत को रात भर जगने के लिए करके अपने को कुछ तो भी कार्यक्रम होना, इसीलिए हम तीन अंक के मराठी नाटक रात को रखते हैं। वो रात भर चलती है, दिन भर मंडई रहती है, शाम को डंडार रहती है। ऐसा एक हमारा कार्यक्रम है और पूरे गांव मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं और ऐसा ही हम जब तक जिंदे हैं तब तक हम ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे। यही हम आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको बताते हैं कि नवयुवकों ने, छोटे बच्चों ने, जैसा हमने अपने बुजुर्गों से प्रेरणा ली है, वैसे इनने भी, बच्चों ने भी, नवयुवकों ने भी ऐसा ही पढ़ना चाहिए और अपनी संस्कृति इसको टिका के रखना चाहिए। ऐसा ही हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भूताई टोला पाथरी। NBCN न्यूज के लिए मनीष ठेमरे की रिपोर्ट।